नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज फिर से आया हूँ एक बार कोरोना वायरस के बारे में अपडेट देने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया में 271 प्लस हो चुके हैं कोरोना के केस, जबकि कल या परसों थे 171। करीब करीब 100 मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ बढ़ने की भी चांसेस और ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे केसेस भी देख सकते हैं, 31 कोरोना केसेस इन कर्नाटक और बढ़ गया है। 3 टेस्ला सेटिंग, जो टेस्ला जो कंपनी है कार की, बैटरी कार्स बनाती है, फोन की कंपनी है, वो भी बंद हो गई है। इस तरह के बहुत सारे न्यूज हैं। सेंट्रल रेलवे अप्रोक्स 60% सब बंद सर्विस। और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कल मना किए कि कल सॉरी हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ कल संडे है और कल दिन भर कर्फ्यू करने के लिए बोले हैं कि कोई भी घर से बाहर ना निकलें फुल डे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 10 से 15 दिन तक भी ऐसा ही बनाए रखें। जितना कम हो सके उतना घर से निकलें। ज़्यादातर ऑफिसेज भी सारा बंद है। ओके, तो इससे हम लोग बचे कैसे? बाहर से हम लोग जब भी आते हैं तो हाथ अच्छे से धोएं, सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर से पहले तो हैंड वॉश से धोएं, उसके बाद सैनिटाइज कर लें, उसके बाद ही कुछ खाना खाएं या फिर आँख पे या फिर मुंह पे हाथ को लगाएं। ऐसे बाहर से आके डायरेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है बहुत तेज़ी से। ऐसे ही इटली जर्मनी भी बहुत हल्के में ले रहा था, वहाँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। एक दिन में 2000 से ज़्यादा लोग की मरने की आशंका है वहाँ। ये कोरोना वायरस कोई जानलेवा बीमारी नहीं, अगर आप लोग उससे अवेयर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बस इतनी सी ही बात है। और यहाँ पर और एक अपडेट देख लीजिए। कोरोना वायरस के केसेस वर्ल्ड वाइड में 2,77,169 केसेस आ चुके हैं अभी तक, और डेथ जो है 11,430 हो चुका है। 11,430 हो चुका है। और जहाँ खुशखबरी की बात यहाँ है कि 91,989 रिकवर्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, जनवरी 22 में कितना था, 0 से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ 5 फरवरी को देखिए 31,439, फिर 21 तारीख को देखिए 77,673, कितनी तेज़ी से बढ़ा है। 10 अप्रैल को देखिए 1,18,948, ऐसे होते होते मार्च 20 तक यहाँ पे देखिए कितना चुका है, 2,75,598। और चाइना में देखिए टोटल केसेस, चाइना में तो बहुत कम अभी हो गया है, वहाँ पे मतलब कोई केसेस है ही नहीं, लेकिन जो फॉरेनर्स आ रहे हैं चाइना में उनको कुछ कुछ केसेस दिख रहे हैं कोरोना के। तो सीधी सी बात है, कोरोना से हमें सबको मिल के ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है। खुद को सैनिटाइज करके रखें, खुद साफ सुथरा रहें, घर को साफ करके रखें, और जितना हो सके कम घर से निकलिए। बस इतना ही कहना था। थैंक यू।